हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु फूडी एंड ट्रैवलर। आज ये है मेरा सेकेंड वीडियो, एक्चुअली थर्ड वीडियो ऑफ इगतपुरी सीरीज़। लेकिन ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो इगतपुरी सीरीज़ का मिस किया होगा तो जस्ट हैव अ लुक। मैं इगतपुरी सीरीज़ का जो वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहला पॉइंट देखने के लिए, जो है इगतपुरी वाटरफॉल्स। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आप विज़िट कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर आप ट्रेन से आ रहे हो या कैसे भी आ रहे हो, तो ये जो पॉइंट है वो इगतपुरी रेलवे स्टेशन से बहुत पास में है। इट्स 1.5 किलोमीटर फ्रॉम इगतपुरी रेलवे स्टेशन। जो पॉइंट मैंने एकदम स्टार्टिंग में दिखाया जहाँ पे हम लोग ने कार पार्क किया, वहाँ से आपको वाटरफॉल तक चल के आने के लिए 20 मिनट का डिस्टेंस है। अगर आप आराम आराम से चल के आते हो तो 20 मिनट लगेगा, अगर आप फटाफट चल के आते हो तो 15 मिनट लगेगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लेक है इगतपुरी का, तो यहाँ पे ही आपको 2-3 पॉइंट पूरा मिल जाएगा। इतना ब्यूटीफुल सीनरी आई, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही चीज़ बताई थी कि मैंने कभी इगतपुरी नहीं देखा, तो आई थिंक मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी मिस किया था अपने लाइफ में। तो ये जो है ये इगतपुरी लेक है, प्लस ये पूरा सीनरी यहाँ पे, अगर ये वाले पॉइंट पे अगर आप आते हो कार पार्किंग, वहाँ से जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से चल के आके ये पॉइंट पे आपको लेक मिलेगा, आगे चलते चलते आपको वाटरफॉल मिलेगा, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इगतपुरी ट्रैकिंग पॉइंट है। तो मैंने बहुत सारे लोग को वो पॉइंट पे जाते वक्त देखा, शायद जाते हुए देखा है, तो वहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते होंगे, बट हम लोग नहीं गए वहाँ पे। तो ये पूरा लेक देख के हम लोग बस चलते 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 वाटरफॉल देखने जाएंगे, एंड लेट्स सी कि वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल है, एंड लेट्स एन्जॉय दिस सीनरी एंड लेट्स एन्जॉय द रेन्स। यहाँ पे जब हम लोग आए हैं बहुत ज़्यादा बारिश था, इगतपुरी ऑब्वियसली बारिश तो रहेगा ही यहाँ पे, प्लस यहाँ का बारिश का पैटर्न ऐसा था कि 10 मिनट बारिश आएगा 10 मिनट नहीं, 10 मिनट आएगा 10 मिनट नहीं। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो अम्ब्रेला लेके आने का कोई मतलब नहीं है, हमारा अम्ब्रेला तो टूट गया पूरा बारिश में। तो अगर आप ला रहे हो तो अच्छा वाला कड़क एकदम बड़ा वाला अम्ब्रेला लाना, नहीं तो ट्राई कि आप रेनकोट या विंडशीटर ऐसा कुछ पहन के आओ। तो आपको इधर आप ये सब पहन के आ सकते हो या भीग सकते हो, दोनों में से एक, क्योंकि यहाँ पे छाता इतना फ़ायदा नहीं है, तो कोई छाता यहाँ पे नॉर्मली यूज़ भी नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हो वी आर ऑलमोस्ट देयर, वाटरफॉल हमारे एकदम सामने हैं, तभी हम वाटरफॉल की तरफ चल के जाते हैं। Thank you.
देखा आपने वाटरफॉल इतना ब्यूटीफुल है, ये दूसरे वाटरफॉल जैसा नहीं है, छोटा सा वाटरफॉल है लेकिन इगतपुरी का फेमस वाटरफॉल है। यहाँ पे लोग आपको ज़्यादा पानी के नीचे डूबते हुए वैसा नहीं दिखेंगे क्योंकि ये ऊपर थोड़े हाइट पे और बहुत कम प्लेस है, तो 4-5 जन ही आपको दिखेंगे। तो एट अ टाइम अगर वहाँ पे ऑलरेडी 4-5 जन है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आप वाटरफॉल का वीडियो लेके पिक्स खींच के वैसा सब करके आप रिटर्न आ सकते हो। यहाँ पे यू कैन स्पेंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेके यहाँ पे पिक्स लेना एंड वाटरफॉल की इधर पिक्स लेना, तो ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्यूरेशन आप यहाँ पे, 1 to 1.5 आवर का ड्यूरेशन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो अभी अगला वीडियो जो आएगा वो बाकी 1-2 पॉइंट्स का है और उसके बाद और 1-2 पॉइंट्स, तो ऐसे और 2 वीडियोस आएंगे इगतपुरी के। अगर आप पूरा वीडियोस देखना चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी अपडेटेड, क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू एंड बाय बाय।